हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आ गया हूँ बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का बलरामपुर शहर में मैं प्रवेश कर रहा हूँ और आपको बलरामपुर शहर के कुछ मैं दृश्यों को भी दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ का मार्केट इस तरह से लगता है यहाँ पर, जो कि मार्केट लगा नहीं है, पर आप वहाँ मार्केट जो लगता है उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बलरामपुर के बारे में भी कुछ आगे जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जिला बलरामपुर रामानुजगंज मध्य भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी हिस्से में स्थित है, और यह पहले सरगुजा जिला में था, पर 17 जनवरी 2012 को यह खुद बलरामपुर जिला के रूप में अस्तित्व हुआ है। देखा जाए तो यह जिला उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों के साथ अपनी सीमाएं को भी साझा करता है। इस जिले में अधिकतर आदिवासी लोग पाए जाते हैं और इनकी संस्कृति काफ़ी अच्छा और खूबसूरत है। अभी हाल ही में आप बलरामपुर जिले को देख सकते हैं, और यह बलरामपुर जिला का यह बलरामपुर शहर है जो कि काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। यहाँ नए नए एजुकेशन के लिए भी, जैसे स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भी यहाँ बना दिया गया है, अच्छे अच्छे शासकीय जिला चिकित्सालय बना दिए गए हैं। एजुकेशन के लिए भी इस शहर पे अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, और कुछ समय बाद इस आदिवासी स्थान को भी अच्छी तरह से डेवलप किया जाएगा। क्योंकि बलरामपुर शहर पहाड़ी और घने जंगली इलाकों में घनघाट और पर्वत श्रेणियों के जिले के एक बड़े हिस्से को कवर भी करता है। यहाँ धान और मक्का, मूंगफली, गेहूँ और चना भी जिले के कुछ सिंचाई वाले भागों में बड़े हो रहे हैं, जबकि किसानों द्वारा बड़े प्राथमिकता फसलें रहे हैं और इनका पैदावार यहाँ काफ़ी मात्रा में होता है। बलरामपुर जिले की जलवायु उत्तरी पहाड़ी कृषि जलवायु क्षेत्र का एक हिस्सा है। मौसम के दौरान गर्म और अच्छी तरह से वितरित वर्षा द्वारा यहाँ की विशेषता है। यहाँ की 63% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। इससे यह पता चलता है कि यह एक आदिवासी प्रधान जिला है, जहाँ आपको पहाड़ी कोरवा, गौड़, खैरवार, कांवरा और पंडो इस तरह के प्रमुख आदिवासी समूह का आपको जीवन यहाँ देखने को मिलेगा। संस्कृति और परंपरागत लोगों द्वारा आदिवासी विश्वासियों और प्रथाओं का अनुसरण यहाँ किया जा रहा है, जैसे कि कर्मा और छठ प्रमुख आदिवासी त्यौहार जैसे दीपावली, होली, और जिले के बड़े बड़े आबादी बहुमत से कई त्यौहारों को यहाँ मनाया जाता है। ताता पानी महोत्सव मुख्य पर्यटक और आकर्षण का केंद्र रहा है, और यहाँ पवई वाटरफॉल यहाँ की सुंदरता को बिखेरते हैं। ये कई चीज़ें हैं जो बलरामपुर शहर को एक अच्छा और डेवलप दिखाता है। वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी सीखने को मिली हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। धन्यवाद।